इसराइल की ईरान पर बड़ी एयरस्ट्राइक। ईरान की राजधानी पर बरसाए गए बम, तेहरान और करज में एक के बाद 19 लगातार हमले। तेहरान में हुए अटैक के बाद एयरपोर्ट पर मची भगदड़। इमाम खुमैनी हवाई अड्डे पर भागते नजर आए लोग। ईरान पर हमले के बाद आईडीएफ का बयान, ईरान में सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला, 1 अक्टूबर को हुए हमले का लिया जा रहा है बदला। तेहरान हमले के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू की बैठक, मीटिंग की तस्वीरें आई सामने। आईडीएफ के अंडरग्राउंड बंकर में हुई बैठक, रक्षा मंत्री गैलेंट और आईडीएफ अधिकारी भी रहे मौजूद। इसराइल के सेना प्रमुख की तस्वीर आई सामने, वायुसेना बेस पर नजर आए मेजर जनरल हर्जी हलेवी। एयरफोर्स कमांडर जनरल तोमर बार ने हमले के आदेश दिए। इराक के दमिश्क में कई धमाके, ग्रामीण इलाकों में हुए कई हवाई हमले। इसराइल ने देर रात लगभग 2 बजे के करीब सीरिया में कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। सीरिया की समाचार एजेंसी का दावा, सीरिया में कई सैन्य ठिकानों पर हमला, ईरान पर भी इसराइल ने किया बड़ा अटैक। रूस का क्यू पर भीषण हमला, बहुमंजिला इमारत पर बोला हमला, हमले में एक शख्स की मौत, कई लोग घायल, 25 मंजिला इमारत को बनाया गया निशाना। दिल्ली के विकासपुरी में अरविंद केजरीवाल की रैली का लोगों ने किया विरोध, साफ पानी न मिलने पर लोगों में भारी आक्रोश, अरविंद केजरीवाल के पोस्टर भी जलाए गए। पदयात्रा के दौरान हंगामे पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया, कहा बीजेपी ने केजरीवाल पर कराया हमला। अरविंद केजरीवाल पर हमले के दावे को बीजेपी ने बताया बेबुनियाद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, अरविंद केजरीवाल पर हमले के बाद झूठी जनता उनका और उनके विधायकों का विरोध कर रही है। तो केजरीवाल साहब, इसे बीजेपी का हमला बताकर अपनी खीज मत उतारिए। ये वो सवाल है जो दिल्ली की हर बहन, हर माता, हर भाई आपसे पूछेगा, क्यों केजरीवाल तुमने हमें ठगने का काम क्यों किया। केजरीवाल पर हमले के आरोप पर अखिलेश यादव का बयान, एक्स पर लिखा, हिंसा होना हारने की निशानी है, हमला किसने करवाया होगा सब जानते हैं। आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर आरोप, बोले बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल पर हमला करवा रहे हैं। एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर मचा घमासान, सपा 5 सीटों की मांग कर रही है। शरद पवार से मुलाकात के बाद अबू आदमी का बयान, कहा 5 सीटें नहीं मिली तो 25 पर उतारेंगे उम्मीदवार। अबू आजमी पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान, बोले महाराष्ट्र में सपा अपने असली रंग में उतर आई, एमवीए का मतलब महाविभाजन पार्टी। समाजवादी पार्टी का रौब कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में तो कुछ नहीं दिया और महाराष्ट्र में भी किस प्रकार से डिमांड किया जा रहा है, ये एमवीए का मतलब ही ये है। महाविभाजन अघाड़ी, महाविचित्र अघाड़ी, महाविनाश अघाड़ी। सीएसी के बैठक के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बयान, बोले मतभेद है और हम उन्हें सुलझा लेंगे, महाविकास अघाड़ी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बड़ा आरोप, मझुआ विधानसभा उपचुनाव में टिकट बेचने का लगाया आरोप। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा किया, बोले सपा कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है, 2027 की जीत दोहराने की मजबूत नींव बनेगा ये उपचुनाव। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के किसानों की फसल खरीद प्रक्रिया की समीक्षा की। सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए 17% नमी वाले धान के एमएसपी पर की जाए खरीदारी। भारत और जर्मनी के बीच कई समझौतों पर मुहर लगे, पीएम बोले रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में बड़ा सहयोग, ग्रीन और सस्टेनेबल ग्रोथ पर भारत और जर्मनी का फोकस है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकी हमले से गुस्से में लोग, जम्मू में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, जवानों के काफिले पर हुआ था अटैक, 3 जवान हुए थे शहीद। लौरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को हथियार का जखीरा भी मिला। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई पर एनआईए ने 10 लाख का इनाम रखा। विमानों को धमकी का सिलसिला जारी, शुक्रवार को 27 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी एजेंसियां, सख्त एक्शन की तैयारी।
200 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। हरियाणा में ईडी के 9 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा, 46 लाख रुपए नकदी समेत कई लग्जरी कारें बरामद की। गैंगस्टर लेडी डॉन अनु धनखड़ गिरफ्तार, दिल्ली स्पेशल सेल ने नेपाल बॉर्डर से किया गिरफ्तार। हिमांशु भाव की गर्लफ्रेंड है अनु, दिल्ली बर्गर किंग हत्याकांड में शामिल थी अनु। राजस्थान के भीलवाड़ा में पार्षद पति पर हमले का मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शहर में निकाली आरोपियों की परेड। बदायूं में बच्ची की मौत मामले में मेडिकल कॉलेज प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, लापरवाही के आरोप में 2 डॉक्टर सस्पेंड, 2 संविदा समाप्त की गई। बुलंदशहर पुलिस ने पकड़ा अवैध पटाखों का जखीरा, 4 लाख रुपए के पटाखे बरामद, 1 आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच चल रहे विवाद को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, सलमान खान को माफी मांगने की दी सलाह, बोले बिश्नोई समाज के मंदिरों में जाकर माफी मांगे सलमान। बदायूं में पकड़ी गई मिलावटी मिठाई, खाद विभाग की टीम ने छापेमारी में पकड़ा 30 टिन छेना। अरविंद केजरीवाल को घर दिलाने के लिए हाईकोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी, याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले पर 26 नवंबर को अब सुनवाई करेगा। ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाने का नहीं होगा सर्वे, वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की, मुस्लिम पक्ष ने जताया था एतराज, हाईकोर्ट जाएगा हिंदू पक्ष। उधर बदायूं में टायर की दुकान में भीषण आग, आग लगने से लाखों का नुकसान, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू। यूपी के बुलंदशहर में मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा, मिट्टी के नीचे दबकर महिला की दर्दनाक मौत, 3 लोगों को जेसीबी से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। हिमाचल के कांगड़ा में पहाड़ों पर फंसी 3 विदेशी पैराग्लाइडर्स, भीड़ पैराग्लाइडिंग के दौरान मनाली से कुल्लू के बीच करीब 5000 फीट की ऊंचाई पर फंसे, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। यूपी के हमीरपुर में एक स्कूल में लगी आग, मची अफरा तफरी, किराए के बिल्डिंग में चल रहा था स्कूल, स्कूल के संचालक ने एक मां बेटे पर आग लगाने का आरोप लगा दिया। उत्तर प्रदेश के झांसी में अचानक चलती ट्रेन में लगी आग, धुएं का गुबार देख ट्रेन से कूदे यात्री, इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की पैंट्री कार में लगी आग, किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं। यूपी के सीतापुर में ऑटो रिक्शा चालक की हत्या, गुस्साए ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर जमकर बवाल काटा, परिजनों ने मुआवजे और आरोपियों के घरों को बुलडोजर से गिराने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के महोबा में सोने चांदी के जेवर के साथ सर्राफा व्यापारी लापता, व्यापारी की झाड़ियों में पड़ी मिली बाइक, परिजनों ने लूट और अपहरण का अंदेशा जताया है। यूपी में बदायूं पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, व्यापारी के सकुशल व्यापारी को छुड़ाया, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सोने की बड़ी बरामदगी, पुणे में टेम्पो से 138 करोड़ रुपए का सोना बरामद, जांच में जुटा इनकम टैक्स विभाग। गाजियाबाद पुलिस ने डेटिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है, डेटिंग ऐप के जरिए मिलने बुलाती थी लड़कियां, पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में श्रद्धा वॉल्कर जैसा एक और केस, एक और हिंदू लड़की बनी लव जिहाद की शिकार, संजू बनकर सलीम ने सोनी को फंसाया, शादी का दबाव बनाने पर हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में जमकर बवाल, थाने में युवक की आत्महत्या के बाद थाने पर पथराव हुआ, जमकर तोड़फोड़ हुई, महिलाओं ने एसपी पर हमला किया, पुलिस ने लाठियां भांजी। मध्य प्रदेश के रीवा में गैंगरेप मामले में पुलिस का खुलासा, पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, दंपत्ति के साथ मारपीट कर गैंगरेप की घटना को दिया था अंजाम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारूदी सुरंग विस्फोट में एक व्यक्ति घायल, पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 2 छात्र गुटों में मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, आपको बता दें लोगों ने बीच बचाव कर फिलहाल मामले को शांत कराया। आगे बढ़ेंगे जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महतारी वंदन योजना की नवी किस्त जारी की, छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं को अब तक ये किस्त दी जा चुकी है। लेबनान की ओर से इजराइल पर हमला, करीब 30 रॉकेट किए गए लॉन्च, आयरन डोम की मदद से कुछ रॉकेट हमले को रोका गया।
लेबनान से हिजबुल्ला ने इसराइल पर किया हवाई हमला, हमले में दो लोगों की मौत जबकि सात के घायल होने की खबर। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लंदन में जॉर्डन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। जॉर्डन के विदेश मंत्री का आरोप, इसराइल जातीय सफाया कर रहा है। लेबनान में मारे गए सैनिक का अंतिम संस्कार, इजरायली सुरक्षा मंत्री और कमांडर ने युद्ध जारी रखने की कसम खाई। इजरायली हमले पर लेबनान सरकार का दावा, इजरायली हमले में तीन पत्रकारों की मौत हुई है। तो बेरूत में हिजबुल्ला के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, आईडीएफ के हमले में हिजबुल्ला का हथियार डिपो तबाह, आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक का वीडियो भी अब जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघीय भारतीय बोर्डिंग स्कूलों के लिए माफी मांगी। गीला क्रॉसिंग कम्युनिटी स्कूल में बोले बाइडेन, अमेरिकी इतिहास के सबसे भयावह अध्यायों में से एक। जो बाइडेन ने मूल अमेरिकी बोर्डिंग स्कूलों के लिए माफी मांग ली है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों को जमानत मिली, पत्नी के बाद दो बहनों को जमानत। आपको बता दें आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।